तो हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 12,000। वैसे तो 12,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर फोन तो काफी सारे हैं, जिससे बहुत से स्मार्टफोन यूजर को अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन पिक करने में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअली में आपको कौन सा वाला स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो मैंने काफी एक्सप्लोर करने के बाद आपके लिए 3 सबसे अच्छे स्मार्टफोन फाइंड आउट किए हैं 12,000 के अंदर में, जिसमें आपको सारे फोन के अंदर तगड़े वाला गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा और अदर स्पेसिफिकेशन भी काफी कमाल के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मल्टीमीडिया वॉच करने के लिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी और लंबे देर तक चलने वाले 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी और फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस लिस्ट पे 3rd नंबर पे आता है एक पावरफुल गेमिंग फोन टेक्नो पोवा 4। और ये फोन फुली प्लास्टिक की बॉडी और प्लास्टिक ही फ्रेम का बना है जो मैट फिनिशिंग के साथ आता है। और इसके डिजाइन की बात करते हैं, ये फोन दिखने में काफी स्टाइलिश और यूनिक लगता है और इस स्मार्टफोन को देखने से गेमिंग वाइब आती है, तो गेमर्स को इसका डिजाइन काफी पसंद आने वाला है। बट ये फोन आपको यूज करने में थोड़ा सा हैवी और मोटा फील लग सकता है क्योंकि इस फोन का वेट ऑलमोस्ट 215 ग्राम है। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो आप इसमें 2 सिम कार्ड, 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे। और इसमें आपको 3.5 mm का ट्वेल जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके 8128 का प्राइस 12,000 पड़ता है अमेजोन के ऊपर। और आप 8GB रैम को वर्चुअली 13GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। ये तो हो गया इसके कुछ बेसिक फीचर। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.82 इंचेस के HD+ IPS डिस्प्ले दी गई, जिस पर काम करते 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट और 180Hz का टच स्नैपिंग रेट भी इसके डिस्प्ले में दिया गया है। तो यदि आपको ऑनलाइन स्टडी या गेमिंग वगैरह के लिए बड़े डिस्प्ले की नीड है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। इसके डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी है और 90Hz भी काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए आपको इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और इन द बॉक्स आपको 18W का टाइप सी चार्जर भी दिया गया है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करते टेक्नो के फोन अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। और इसमें आपको गेमिंग के लिए हीलियो G99 का गेमिंग चिपसेट दिया गया जो 6 NM बेस्ड प्रोसेसर है, जिसका स्कोर 3,60,000 के एवब देखने को मिल जाता है। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आप इस प्रोसेसर को मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर भी मान सकते हो, जिसपे आप कोई भी गेम लाइक पबजी और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग पे वेरी स्मूथली रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया, 50MP का मेन कैमरा जिससे आप 2K वीडियो भी शूट कर पाओगे, और AI लेंस दिया गया जो किसी काम के तो नहीं होते। और फ्रंट पे आपको पंच होल में 8MP की सेल्फी शूटर दी गई। ये एक गेमिंग फोन है तो कैमरा वाला पार्ट इस फोन का उतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन आप दिन के समय नॉर्मल कंडीशन पे ठीक ठाक पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। तो दोस्तों, यदि आपको 12,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर में एक गेमिंग फोन लेना जिसमें आपको डिस्प्ले और बैटरी काफी बड़ी मिल जाए तो आप इस फोन की तरफ एक नजर डाल सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मेरे इस लिस्ट पे 2nd नंबर पे आता है इन्फिनिक्स का सुपर वैल्यू फॉर मनी 5G डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 12 5G। और ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है जो मैट फिनिशिंग के साथ आता है। और इसके डिजाइन की बात करते ये फोन बैक साइड से दिखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। और इस फोन का वेट 186 ग्राम है, तो इस फोन का वेट भी ज्यादा नहीं है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको 3.5 mm का डुअल जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। और ये फोन 5G के 12 बैंड्स को सपोर्ट करता है और आप इसमें 2 सिम कार्ड, 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। तो ये तो हो गया इसके कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.7 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले देख है, जिसमें काम करते 180Hz की टच सैंपलिंग रेट और GG3 की प्रोटेक्शन और 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो ये फोन एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिसमें आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। बट इसका डिस्प्ले यूनोच डिस्प्ले के साथ आता है जो दिखने में काफी पुराना और आउटडेटेड लगता है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और इन द बॉक्स आपको 33W का फास्ट चार्जर दिया गया जो इस डिवाइस को 1 घंटा 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G चिपसेट दिया गया जो 6 NM बेस्ड प्रोसेसर है, जिसका एंथेटो स्कोर 3,50,000 के एवब देखने को मिल जाता है। ये काफी पुराना और वेल कैपेबल चिपसेट है, जिसपे आप मीडियम टू हाई सेटिंग में कोई भी गेम को इजिली रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50MP का मेन कैमरा जिससे आप 2K 30 FPS
पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और ALS दिया गया। फ्रंट पे आपका यू लॉन्च पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। इस फोन का मैक्रो और ALS तो किसी काम के तो नहीं है, बट आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय अच्छी डिटेलिंग के साथ पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, जिसके 664 का प्राइस 12,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद। तो गाइस पहले नंबर पर था पोको की तरफ से एक गेमिंग डिवाइस पोको M5 4G, और ये भी फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है जिसका वेट ऑलमोस्ट 200 ग्राम है। और इस फोन के बैक में आपको लेदर दिया गया जिससे ये फोन दिखने में काफी स्टाइलिश और यूनिक लगता है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 3.5mm का डुअल जैक दिया गया है, और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। और इसके 464 का प्राइस 11,500 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये थे इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.58 इंचेस की IPS डिस्प्ले दी है जिस पे काम करते हैं 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG3 की प्रोटेक्शन भी इसके डिस्प्ले में दी गई। इस फोन में आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई है, बट इसकी डिस्प्ले क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है और 90 हर्ट्ज की काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको 5000mAh की बैटरी दी गई जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इन द बॉक्स आपको 18W का टाइप सी चार्जर भी दिया गया है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें हेलियो G99 का गेमिंग चिपसेट दिया गया जो एक 6 NM बेस प्रोसेसर है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 3,80,000 के नियर देखने को मिल जाता है। ये एक गेमिंग चिपसेट है जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच की मिल जाएगी। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा। और फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए। तो गाइस यदि आपको 12,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर में एक गेमिंग फोन लेना है तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो।